ट्रांसलेशन करना, मैं जाने ये तो नहीं पढ़ा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब कुछ ही पढ़ा। मैं खाता हूँ आई ई, मैं जाता हूँ आई 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 ई, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ता अंतिम में और टेंस में हुआ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, मैं जा रहा हूँ इंडेफिनिट टेंस। फोर्थ पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सर। उसमें भी कौन है, सिंगुलर है या प्लूरल है? उसमें अगर दोनों आप पूछे तो उसमें सिंगुलर है। राम और मोहन जा रहा है, राम और मोहन जा रहा है, राम एंड मोहन इज गोइंग। इसमें इज का प्रयोग हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इम्परफेक्ट भी बोलते हैं इसको, उसका काम अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है, समाप्त नहीं, समाप्त तो नहीं हुआ। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ आई हैव रीड। तीन शिक्षक हैं वहाँ, वही पढ़ते हैं आप? वही पढ़ते हैं, एक साल प्राइवेट में भी लिखाए थे। कहाँ लिखाए थे प्राइवेट में? यहाँ पर डीएम स्कूल। नाम है प्राथमिक विद्यालय निमाकोल। निमाकोल यस। यहाँ पहला से लेके पांचवा तक पढ़े आप? पहला से लेके पांचवा तक पढ़े, तो वहाँ की व्यवस्था कैसा लगा आपको? वहाँ का व्यवस्था एकदम खराब है, खराब। आप लाइटिंग देखेंगे ना, बाथरूम देखेंगे, उसमें भूसा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ। और आप फील्ड देखेंगे तो उसमें जारन धरा हुआ है, और आप किचन देखेंगे तो उसमें क्या है, कटु धरा हुआ है, और आप स्कूल देखेंगे तो उसमें न बेंच है न चौक। और सर जो है, एक दीपक कुमार नाम का सर है, जिनको की अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हुई, उनको समझाने में दिक्कत होती है। देखिए, हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, दुख होगा, लेकिन हम ये बात अवश्य करना चाहते हैं, सर आपकी इसमें गलती नहीं है, लेकिन नीचे वाले आप लोग हैं, आप लोग निरीक्षण करते रहिएगा, तब ना बोलिए ना। वहाँ पर जो क्या कहते हैं, सर को ही नहीं आता है पढ़ने, आते हैं जाते हैं, क्या फायदा है सर? सब लोकल है, पता नहीं सर, लेकिन कई बजे आते हैं? अगर देखा जाए तो 6-7 बजे आते हैं सब मिलके। और ये जो वो जो सर का नाम बताया ना, दीपक सर, हाँ दीपक सर, उनको तो हम पूरा तरह से कटकुट उनको हम कर देते। बाकी दो सर और मैम है। आम का बर्तनी बताओ, मतलब बर्तनी का मतलब, बर्तनी मतलब कैसे लिखते हो? आम हिजे, आम का हिजे, आ प्लस नहीं आम का है ना, आ जोड़ आकार जो है, और मैं इतना तक के हम जानते हैं, जानते हैं। सरकारी स्कूल में जो पढ़े वही हम अपने सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया गया था, ये सब बताया एक बटा। अच्छा ठीक है, सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, पांचवा क्लास का तुम पास कर इंसर्ट करोगे ना, इन्हीं साल में पास करोगे 2022 में, तो तुम्हारे लिए खुला हुआ है। नेत्रहाट है, सैनिक स्कूल है, फिर इसके बाद में सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय है, उसमें परीक्षा दो। राज्य के मुखिया के पास आप जाने की प्रेरणा कैसे ली? किसी ने आपको बताया कि जाइए? बताया नहीं था, अपने 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 मन में उठा, अपने आप हम सोचे। जिस प्रकार हमें वीडियो वायरल हुआ था, नीतीश कुमार से लेकर भाषण देखे, तो हम सोच लिए थे। उसके बाद 17 मार्च के पहले ये क्या करते थे, जन संवाद में जाने लगे, तो हम सोचे अब मिल ही लेंगे, अब तो हम रहो आसान, प्रत्येक प्रखंड में जा रहे हैं। हाँ, तो आए हरनौत में आए तो हम गए, तो उस दिन तो क्या हुआ कि मैंने तब मतलब जो है। अच्छा, पिताजी के लिए क्या संदेश देना चाहते? पिताजी के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं सर कि कम से कम शराब मत पिए, हमको तो बोल दिए हैं कि अपने कभी आप बोले हैं कि मना किए हैं? नहीं, मैंने हम मना नहीं किया, हम जो मीडिया पर बोले थे तो ये अपने बोले हैं कि हमको सीख मिल गई है, जब हम कभी भी शराब नहीं। मैंने अपने मीडिया से बातचीत करने के पहले पिताजी को नहीं बोले कि ये पीना बहुत खराब बात है, क्यों पीते हैं, ये जानलेवा है, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बोले थे? नहीं, लेकिन नहीं, इससे पहले हम बोले थे तो ये नहीं माने तो अब हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारे माँ को मैं
आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे लाल को जिन्होंने प्रखर प्रतिभा जन्म पापा हैं यहाँ यही है पापा सुनिए सुनिए इधर आपका बेटा कह रहा है कि आप दही बेच के और पैसा जो अर्न करते हैं उससे शराब आप ही लेते हैं और स्वास्थ्य भी खराब कर लिए हैं, तो कम से कम आपका बच्चा है इससे सीख लीजिए, शराब पीना बहुत खराब बात है और उससे परिवार का बुरा असर, जितना आप शराब में खर्च करते हैं इस पर खर्च कर देते हैं तो अच्छा नहीं होता। आप शपथ लीजिए कि हम कभी शराब नहीं पिएंगे,